अखिल भारतीय वन औषधि अभ्यास मंडळनी टीमे चार दिवस प्रवास दरमियान कच्छना विविध स्थळोए 200 जेटली वनस्पतिओनु निरीक्षण कर्युं हतुं। आ अभ्यास यात्रा समापन कार्यक्रम माधापर खाते योजायो हतो। विनोद सोलंकी वक्तव्यमां तेमणे भारतनी ऋषि परंपरा ने उजागर करी आ वारसाने साचवू यज्ञ कार्य समान छे तेवू कोरोना जेवी गंभीर बीमारीओमां आयुर्वेदना 90% परिणाम दर्शावता वैज्ञानिक शास्त्रनी महत्ता पर प्रकाश पाड्यो हतो। डॉक्टर अल्पेश पटेले कच्छमां जोवा मळेली विशिष्ट वनस्पतिओ विशे माहिती आपी हती। डूंगर पर मळेली दुर्लभ सफेद शिरीष वृक्षनो उल्लेख कर्यो हतो, जे मरडाना रोग माटे प्राचीन काळथी अक्षर दवा तरीके उपयोगमां लेवामां आवती हती। नानालाल सत्राए कच्छमां आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापवानुं स्वप्न व्यक्त करी प्रस्ताव कर्यो हतो कि आ कॉलेजनुं नाम प्रख्यात वनस्पति शास्त्री जयकृष्ण इंदरजीना नामे राखवामां आवे। जयारे 84 वर्षीय वडील राजवैद्य हीरू पटेले शिबिरमां युवानोनी मेहनत अने तात्कालिक अभ्यास माटे आभार व्यक्त कर्यो हतो। अखिल भारतीय वनौषधि अभ्यास मंडल द्वारा जुदा जुदा विस्तारों की अंदर वनस्पति अभ्यास शिबिरों आयोजन करतु होना अंतर्गत आ वर्षे श्री जयकृष्णजीना जन्मदिवस विजयादशमी निमित्ते कच्छ में एक वनौषधि अभ्यास शिबिर आयोजन करी कच्छनी अंदर कच्छना सपूज्य है एमनी स्मृति में एक वनौषधि अभ्यास शिबिर आयोजन नक्की करूँ। एनी अंदर गुजरातभर में देश जुदा जुदा भागों में आयुर्वेद विद्यार्थी बोटनी विद्यार्थी वनस्पति प्रेमी उपस्थित रहा। लगभग 55 जेटला लोको अने स्थानिक दसेक जेटला लोकोए आनी अंदर भाग लीधो। आ शिबिर अंदर 140 जेटली वनौषधिओ जे छे ते जोवा मळी। प्रेसिडेंट मीनूभाई परबिया साथेना अंगत परिचय थी एमने आमंत्रण आप्युं अने स्वर स्वीकार्युं अने वनौषधि मंडल कच्छना आंगणे पधार्युं। 17 तारीख थी हूँ साथे छूं। कच्छना औभाग्य छे के घणा वर्षो पछी अने कच्छ वण खेड़ायेलू क्षेत्र छे, वो पाखी वस्ती ने कारणे कच्छ में हजी वनस्पति टकी रही छे अने एनो अभ्यास करी अने वनस्पतिनु निकंदन अटके एवी एक प्रक्रिया में कच्छ सामेल थशे एवी मने खातरी छे। भविष्य में आयुर्वेद कॉलेजनी पण जरूरत छे, ए प्रमाणे आयुर्वेद कॉलेज अहींया स्थापना थाय एवा प्रयत्न नो संकल्प करेलो छे। आ शिबिर मार्फत शिबिरनी पूर्णाहुति निमित्ते मने आनंद छे कि हजी कच्छमां जूना वनस्पति शास्त्रीओ हाजर हयात छे, बहु सक्रिय छे। छेल्ला 25 वर्षथी हूँ कच्छमां वनस्पतिनुं केवी रीते संवर्धन थाय अने स्थानिक लोको जे एनी उपर आधारित छे एवा जंगलो के मालधारी छे, खेडूतो छे, सामान्य माणसो जे खरेखर जंगलोने समझे अने दरेके दरेक वनस्पति साथे एनी जे जैविक विविधता जे संकळायेली छे एनुं पण केवी रीते संरक्षण थाय एनी उपर अमे लोको काम करी रह्या छे। जे चार दिवसनी जे शिबिर थई एमां अमे लोकोए खास करीने आपणा जे संवेदनशील विस्तारो जे छे, पर्यावरणने संवेदनशील विस्तारो अने ज्यां सारी औषधि वनस्पतिओ अने नाश पामती दुर्लभ जे वनस्पतिओ मात्र ने मात्र आपणा कच्छमां वधारे संख्यामां जे जोवा मळे छे अने जेनो औषधीय गुण खूब सविशेष प्रमाणमां छे, तो एवा विस्तारोनी मुलाकात करी घणी बधी ज्ञानगोष्ठी थई अने दरेक दरेक वनस्पतिना नमूनाओ एकठा करीने एनी उपर ऊंडाणथी दरेके दरेक आवेला शिबिरार्थी अने जेटला पण संशोधन अने रिसोर्स पर्सन जे अमारी साथे जोडायेला खूब ज मोटो विचार विमर्श करवामां आव्यो छे। स्थानिक लोको पासे ए अपेक्षा छे कि जे वनस्पतिओ दुर्लभ थई रही छे कच्छनी, तो जे रीते अमे लोको काम ऑलरेडी मीठा गुग्गरमां आगळ वधी रह्या छे, अमुक अमुक पंचायतोमां ज्यां ज्यां आ प्रकारनी वनस्पति अवेलेबल छे, तो खेडूतोने आपणे कन्विंस करी रह्या छे कि तमे तमारा सेढापाड़ा उपर आ प्रकारनी गुग्गर जेवी वनस्पतिओ तमे राखो। अत्यारे बीज कलेक्शन करीने एमांथी केवी रीते वधारे रोपो आपणे बनावी शकीए तेवी घणी बधी जे लिस्टेड वनस्पतिओ आपणा कच्छमां थाय छे, तो लઠેડી છે, ગુનેરી જેવી જે પંચાયતો કે જ્યાં એનો જથ્થો છે ખૂબ સારી માત્રામાં 8-9 એવી દુર્લભ વનસ્પતિ એક જ જગ્યામાં છે, તો ત્યાંના સ્થાનિક પંચાયતો જ્યાં બાયોડાયવર્સિટી મેનેજમેન્ટ કમિટીઓ જે બની રહી છે પંચાયતોમાં, તો એ લોકો પણ આગળ આવી રહ્યા છે। યુવાનોને ઘણી બધી તાલીમો આપવાની અમે એ લોકો કોશિશ કરી રહ્યા છે કે એના મેચ્યોર જ્યારે સીડ્સ થાય તો એ કેવી રીતે કલેક્ટ કરે અને સ્થાનિક નર્સરી બનાવી અથવા તો વન વિભાગની જે નર્સરી છે એમાં એ રોપાઓ કેવી રીતે તૈયાર થાય એના માટે અમે લોકો પ્રયાસ કરીશું।